नाबालिग मुखबिर छात्रा से दुष्कर्म मामले की उच्च स्तरीय जांच करने की मांग आम आदमी पार्टी ने जिला पुलिस अधीक्षक को निवेदन के माध्यम से की। शहर के एक मुखबिर विद्यालय में नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ मामले में शहर पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में लिया है। इस संदर्भ में आम आदमी पार्टी चंद्रपुर के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी, जिला पुलिस अधीक्षक, जिला महिला व बाल विकास अधिकारी को निवेदन के माध्यम से मांग की कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन किया जाए, साथ ही स्कूल की मान्यता रद्द की जाए और इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में करे, अन्यथा तीव्र आंदोलन की चेतावनी आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने दी। इस समय आम आदमी पार्टी के युवा जिला अध्यक्ष राजू कुड़े, युवा संगठन मंत्री अनूप तेलतुंबड़े, महानगर महिला अध्यक्ष तबस्सुम शेख, युवा सह संगठन मंत्री मनीष राउत, सागर बोबड़े, जावेद सैयद, जयदेव देवगढ़े आदि उपस्थित थे। जहाँ पर मुखबधिर बच्चे पढ़ते हैं वहाँ की एक लड़की पर अत्याचार हुआ और उसके वो अत्याचार 6 महीने के पहले हुआ, पर उस पर जो कार्रवाई हुई है 2 दिन के पहले हुई है। साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगी कि ऐसे बहुत सारे स्कूलें हैं जहाँ पर इस तरीके से बच्चों पर अत्याचार अन्याय होता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होना बहुत ही ज़रूरी है। इसकी वजह से आज हम SP सर और जिलाधिकारी कार्यालय यहाँ पर हमने आवेदन दिया है कि इस तरह की जो भी स्कूलें हैं, जैसे अनाथ आश्रम है या मुखबधिर स्कूलें हैं या कोई वस्ती गृह है जहाँ स्पेशली लड़कियाँ रहती हैं, वहाँ पर दामिनी पथक के थ्रू या बाल विकास महिला समिति इनके थ्रू एक पथक को की नियुक्ति की जाए और हर साल वहाँ पर उनको छानबीन करने का पावर रहे, अधिकार रहे कि वहाँ जाके जान सके कि ऐसे और भी बच्चे हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है क्या। तो मैं ये निवेदन करती हूँ कि ये कार्रवाई जल्द से जल्द हो और हमारी जो बच्चियाँ हैं उनको उनका हक मिले और उनको सही से आज़ादी से जीने का अधिकार मिले। जय हिंद, जय भारत। यावरती आम आदमी पार्टीच्या वतीने कारवाई करण्याकरिता मागणी आज माननीय जिल्हाधिकारी साहेब तसेच पोलीस अधीक्षक साहेब यांच्याकडे करण्यात आलेली आहे। यामध्ये हे जो प्रकरण आहे हे प्रकरण जिल्ह्यामध्ये पहिलंच नसून यापूर्वीसुद्धा जिल्ह्यामध्ये अशा घटना घडलेल्या आहेत। या सर्व ज्या जिल्ह्यामध्ये वसतिगृह असतील, मुलींचे शाळा असेल, विश्रामगृह असेल किंवा आदिवासी मुलींचे वसतिगृह असतील, या सर्व ठिकाणी पथक नेमून यावरती सर्व कारवाई करण्यात यावी, त्यांच्याशी विचारपूस करण्यात यावी की आपल्यासोबत शाळा प्रशासन किंवा संस्था शासनाकडून कुठल्याही प्रकारचं दबाव किंवा अशी काही गैरकृत्य आपल्यासोबत करण्यात येत आहे किंवा नाही यांच्यासोबत चर्चा करण्यात यावी। आणि सोबतच हा जो प्रकार ज्या काल परवा घडलेला आहे, उघडकीस आलेला आहे, या शाळेची मान्यता रद्द करण्यात यावी आणि हे सर्व प्रकरण फास्ट ट्रॅक कोर्टामध्ये चालण्यात यावं इत्यादी मागण्यांना घेऊन आज आम्ही या ठिकाणी निवेदनाच्या माध्यमातून मागणी करत आहोत। धन्यवाद।